विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे के कार्यक्रम के दौरान कहा कि जिस तरह पांडव अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, उसी तरह भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को नहीं चुन सकता। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए वास्तविक सच है, हालांकि हम आशा करते हैं कि उनमें अच्छी भावना पैदा हो। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने कहा कि क्या हो रहा है वह इस पर कमेंट नहीं कर सकते। दरअसल जयशंकर अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के बारे के मराठी संस्करण भारत मार के विमोचन के अवसर पर पुणे पहुंचे थे। उनकी पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। एस जयशंकर ने कहा कि ये हमारे लिए एक वास्तविकता है, पांडव रिश्तेदारों का चयन नहीं कर सकते और इसी तरह हम अपने पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में चर्चा शुरू हो गई है कि विपक्ष की ओर से पीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी? विपक्षी एकजुटता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी आए दिन कोशिश करते हैं। इन सबके बीच चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा होगा, क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। इस पर कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से सवाल किया कि इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत में किसी ने नहीं की, जिन्होंने भी की उन्हें लाभ मिला, तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी का पीएम बनने के लिए यह कदम है। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि सभी तपस्वी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के उपदेश को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, यह उनके मन में रहता है। इसमें है कि अर्जुन तुम्हें काम करना है, इसका नतीजा नहीं देखना। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा निकालने का है, इसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, कितनी सीटें आएंगी ये सब आप लोगों को देखना है। महारानी कॉलेज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर छात्र संघ महासचिव अरविंद जाजड़ा और की ओर से अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ जड़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि जयपुर में शनिवार को बिना नंबर प्लेट वाली निर्मल चौधरी गाड़ी का यातायात पुलिस ने चालान काट दिया। इस दौरान निर्मल चौधरी यातायात पुलिसकर्मी से बहस भी करते दिखे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में निर्मल चौधरी और उनके समर्थकों ने यातायात पुलिसकर्मियों को घेरा हुआ है। वहीं यातायात पुलिसकर्मी निर्मल को उनकी गलती बताते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी ने निर्मल पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया। गौरतलब है कि निर्मल चौधरी जब से छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते हैं तब से उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें किसी वीडियो में वो पुलिसकर्मियों को तो किसी में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को धमकाते नजर आते हैं। ये वीडियो कब का है इसकी बहरहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे और उस दौरान उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी, तब उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को लेकर भारत रत्न दिए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। राउत ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई उनको तो आपने पुरस्कार दे दिया, लेकिन अयोध्या के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले बालासाहेब को भूल गए। राउत ने कहा कि मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे, लेकिन उनके साथ हमारे मतभेद रहे। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कारसेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि और कारसेवकों को गोली मारनी होती है तो भी पीछे पीछे नहीं हटता और बाबरी मस्जिद की रक्षा करता। उसके बाद बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सभी ने मुलायम सिंह के ऊपर मुकदमा दायर करने की मांग की थी। हिंदुओं का हत्यारा तक कहने से नहीं चुके थे। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के एक छोटे से कस्बे अवागढ़ के किसान परिवार में जन्मे 30 साल के पवन कुमार ने शुक्रवार को स्वीडन की रहने वाली क्रिस्टल रेबर्ग के साथ साथ फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। साल 2012 में एटा निवासी पवन कुमार की फेसबुक पर स्वीडन की रहने वाली क्रिस्टल रेबर्ग से दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। इस दोस्ती और प्यार के बीच में दो देशों की दूरियां कभी भी आड़े नहीं आई। दरअसल पवन पेशे से इंजीनियर है जबकि क्रिस्टल होटल और टूरिज्म एंड मार्केटिंग में स्वीडन से ही डिप्लोमा किया हुआ है। पवन कुमार बताते हैं कि आज से लगभग 10 साल पहले 2012 में हमारी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच कुछ समय तक दोस्ती का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। वहीं दोनों के बीच घंटों बात होने लगी और हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली और इस बीच 2018 में पवन और क्रिस्टल ने शादी करने का फैसला कर लिया।
बिहार में अफसर शाही का एक नमूना अरवल में देखने को मिला है। इसकी तस्वीर और वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुधवार की सुबह अरवल में गणतंत्र दिवस पर समाहरणालय परिसर में एसपी और डीएम तिरंगे को सलामी देने पहुंचे थे। इस दौरान तिरंगे को सलामी देने के बाद एसपी और डीएम परिसर में ही स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे। यहां से लौटे तो जूता पहनने लगे जो कि पैर में अटक रहा था। जूते की को पैर में अटकता देख जूनियर द्वारा इसे दो दफे पहनाया गया। अफसर की ओर परेशान होते देख दो सिपाही आ गए और अपने सीनियर के कदमों में बैठकर उनको जूते पहनाने लगे। उधर इस दृश्य पर एसपी ने भी कोई एतराज नहीं जताया। दोनों सिपाहियों ने न केवल अपने सीनियर ऑफिसर के पैरों में जूते पहनाए बल्कि उनके लेस भी बांधे। इसके बाद एसपी प्रखंड कार्यालय परिसर गए, वहां भी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण से पहले जूते खोले और लौटकर अपने आने पर सिपाही ने एसपी को जूते पहनाए। दोनों जगह सैकड़ों लोग इसके गवाह बने। लोग इस सीन को देखकर हैरान रह गए कि कैसे दोनों जगह उन्होंने अपने जूनियर से फीते बंधवाए। वहीं लोगों ने कहा कि ये वर्दी का अपमान है। आरजेडी के बयान, वीर विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर से नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। हालांकि इस बार उन्होंने थोड़े मीठे लहजे का इस्तेमाल किया है। शनिवार को सुधाकर सिंह कैमूर पहुंचे थे, जहां किसानों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि आप अच्छे काम कीजिए, मैं चीनी से भी मीठे शब्द बोलूंगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब मैं घर से निकलता हूं तो लोगों का दर्द सुनकर आहत हो जाता हूं, इसके बाद मैं कुछ कड़े शब्द बोल जाता हूं, कोई गाली तो नहीं देता। आपको प्यार आ पाना है तो अच्छे काम करने होंगे। सुधाकर सिंह बोले कि मैं कड़े शब्द बोलता हूं, कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल तो नहीं करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री को कड़े शब्दों से बचना है तो किसानों के हक में फैसला ले। इसके बाद मीठे वचन से आपकी प्रशंसा करूंगा कि चीनी भी फेल हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं मैं शब्दों के चयन में बिल्कुल कोताही नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत श्रीनगर में लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर पर कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के लिए घंटाघर की ओर रवाना होने से पहले राहुल ने सोनावर में यात्रा से 30 मिनट का विश्राम लिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौलाना आजाद रोड स्थित मुख्यालय पहुंचे। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेता वहां मौजूद थे। 10 मिनट के इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद थी। लाल चौक की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को शनिवार रात से ही सीज कर दिया गया था और वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा लाल चौक पर ध्वजारोहण के लिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान और साप्ताहिक पिस्सू बाजार को भी बंद कर दिया गया था। लाल चौक के बाद भारत जोड़ो यात्रा शहर के बुलेवार्ड क्षेत्र में नेहरू पार्क की तरफ बढ़ेगी और जहां आपको बता दें कि 4,080 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का आज समापन हो जाएगा। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमीन पर अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए एक अभियान चला रहे हैं। इस दौरान वे कभी प्रदेश की सत्ता पर काबिज महागठबंधन सरकार समेत सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले चुके हैं तो कभी केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। इस बीच पीके ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सूबे के विकास के लिए पीएम मोदी ने एक बार भी बैठक नहीं बुलाई। यदि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक भी की होती तो मैं बीजेपी का झंडा लेकर घूमने को तैयार हूं। दरअसल जनसुराज यात्रा के दौरान पहुंचे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूद लोगों ने कईयों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें 2014 में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए काम किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2014 के चुनाव में जब बिहार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई जानता भी नहीं था, उस दौरान प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार संभालने की कमान की जिम्मेदारी संभाली थी। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के बयानों से भारत का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता है। किसी भी धर्म की धार्मिक किताबों पर टीका टिप्पणी या आलोचना को जायज नहीं मानता है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक चीजों की आलोचना नहीं करना चाहिए। इस्लाम के अनुयायी इस बात पर मुकम्मल तरीके से अमल करते हैं। मौलाना ने कहा कि रामचरितमानस करोड़ों लोगों की आस्था और
का प्रतीक है, वो पुस्तक है, इसकी आलोचना करना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर ये समझते हैं कि इस तरह के गलत और उलूल जुलूल बयानों से उत्तर प्रदेश के मुसलमान खुश होंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है, अगर नहीं तो खुलकर सामने आए और स्वामी प्रसाद मौर्य से बयान वापस कराए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।